Good morning, students. You all know very well about myself, Ravi Kumar. I am your computer teacher. Students, in this class, we will take the knowledge about hardware and software. We will take the knowledge about hardware and software. You also know about the knowledge, there's a topic hardware. You know about hardware? Hardware is going to divide hardware. Hardware is the physical components of the computer which we can easily see and touch. Hardware physical components of computer system. Which we can easily see and touch. प्यारे बच्चों, हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है, हार्डवेयर कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जिसे हम बड़ी ही आसानी से उसे देख सकते हैं, उसे छू भी सकते हैं. वही चीज मैंने इंग्लिश में लिखा है यहां पे कि हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन इजीली सी एंड टच. हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन इजीली सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर डिवाइसेस, आर कॉल्ड हार्डवेयर डिवाइसेस. And this hardware is going to divide into three parts. ये तीन भाग में बदलने जा रहा है. Number first, input devices. यानी जितने भी input devices होंगी वो सारी hardware में आती हैं. ये है आपका output devices. जितना output device होगा ये भी सब हार्डवेयर में आएंगी. एंड थर्ड वन इज योर स्टोरेज डिवाइसेस. स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर कि दैट हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन इजीली सी एंड टच. एंड दिस हार्डवेयर इज गोइंग टू डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स. Hardware is going to classify three parts. First, input devices. Second, output devices. And third one is storage devices. So students, you all know about input devices. Input device is the what device? Input device is that device which we can easily input our data into the computer. इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का वह डिवाइस होता है जिसे हम अपनी बातों को कंप्यूटर के अंदर डाल सके, उसी को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं. हमारी बात समझ में आई? इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से हम अपनी बात को कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं. जैसे कि हमारे पास कीबोर्ड है लिखने के लिए, माउस है किसी वर्क को सेलेक्ट करने के लिए या तेजी से काम करने के लिए, जॉयस्टिक है गेम खेलने के लिए, कैमरा है कैच करने के लिए. तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस इन अवर कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन फीड अवर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अवर कंप्यूटर सिस्टम. एम आई राइट? कम टू द सेकंड पॉइंट,
आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच कैन डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन आफ्टर फीडिंग द इनपुट. आफ्टर फीडिंग द इनपुट बट बिफोर फीडिंग द इनपुट वी ऑल्सो फेमिलियर विथ दिस वन कि दैट कंप्यूटर इज गो वर्किंग इन द आईपीओ साइकिल. किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में भरने से पहले हमें इस बात से पूरी जानकारी है कि कंप्यूटर आईपीओ साइकिल पे वर्क करता है. हम किसी भी चीज को जब इनपुट करते हैं तो वो तो हमारी बात को कंप्यूटर के अंदर डालने के बाद कहा गया. सेकेंड वन इज पी. पी स्टैंड्स फॉर प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग व्हाट द डेटा और इंस्ट्रक्शंस वी आर गोइंग टू फीड इनटू द कंप्यूटर थ्रू आवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस एंड आफ्टर फीडिंग द डेटा इज गोइंग टू बी प्रोसेस्ड. द डेटा इज गोइंग टू बी प्रोसेस्ड एंड आफ्टर दैट आफ्टर प्रोसेस इट विल डिस्प्ले द आउटपुट रिजल्ट्स. दैट वन इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस. ओके कम टू द थर्ड पॉइंट स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच आर गोइंग टू कैटेगराइज इन टू टू पार्ट्स प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम लाइक रैम रोम एंड सेकेंडरी मेमोरी आर एक्सटर्नल ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी. ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जो हमें हमेशा कंप्यूटर के अंदर आपको दिखाई देगा. जैसे रैम है आप उसको देख सकते हैं. ये टेम्प्रोरी मेमोरी है कुछ सीमित समय के लिए डेटा स्टोर करता है. जब तक लाइट रहेगी तब तक रहेगा. लाइट के पावर कट ऑफ होने के बाद डेटा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा और जहां पर हम इसको सेव कर देंगे तो ये हमारे रोम मेमोरी में चला जाएगा रीड ओनली मेमोरी. वहीं दूसरी तरफ में देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का वह मेमोरी होती है जहां पर पूरी तरह से वो एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है या ऑक्सिलरी मेमोरी. ये सेकेंडरी मेमोरी जो हम बाहर से एक्स्ट्रा लगाते हैं जिसको कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी. जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो गया पेन ड्राइव हो गया ब्लू रे डिस्क हो गया डीवीडी हैं चिप. तो दीज मेमोरीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी यानी ऑक्सिलरी मेमोरी. आई थिंक यू गेट अंडरस्टूड. ओके नेक्स्ट पॉइंट इज अवर अबाउट वी विल टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर. अब ये सॉफ्टवेयर क्या होता है. डियर स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच आर गोइंग टू फॉलो द हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर कुछ सूचनाओं के समूह को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है जिन्हें कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को मानना पड़ता है. उसकी सहायता की मदद से कंप्यूटर वर्क करेगा. वी ऑल्सो नो अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब यहां पर सॉफ्टवेयर के टू पार्ट्स होते हैं. नंबर वन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नंबर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज मेनली यूज्ड फॉर सिस्टम पर्पस लाइक दैट आवर ऑपरेटिंग सिस्टम. वी ऑल्सो नो दैट आवर ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच मेक्स द रिलेशनशिप बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच मेक्स द रिलेशनशिप बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर. जहां पर यूजर और हार्डवेयर का दोनों का रिलेशनशिप क्रिएट किया जाएगा उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का वह भाग वह हिस्सा होता है जिसकी मदद से पूरा कंप्यूटर सिस्टम चलता है.
फॉर एग्जाम्पल सपोज वी आर टेकिंग द वेस ऑफ ए कार, एक कार की हमने बॉडी ले लिया और हमको इस बात से मालूम है कि कार फ्यूल ऑयल से चलती है और ऑयल इंजन में डाला जाता है, एम आई राइट? ओके। और ये भी जानते हैं कि उस कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत होती है, जैसे जैसे ड्राइवर उसको स्टार्ट करके चलाएगा वैसे वैसे वो गाड़ी चलेगी। इट मीन्स द ड्राइवर इज द मेन ऑपरेटर ऑफ दैट कार, उस कार का मेन मालिक ड्राइवर है, तभी वो गाड़ी चल रही है और उसके सारे फंक्शन वर्क कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ही सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में ये रिलेशनशिप मेंटेन किया रहता है। इज इट क्लियर? ओके। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम पर्पस के लिए होता है, और यहां पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट विल मेक अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब, स्पेसिफिक पर्पस ऑफ वर्क। लाइक जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया सीधा सीधा कि यह किसी पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे कि हमारा बनाया गया है, जैसे व्हाट्सएप है, सबको मालूम है ये एक मैसेजिंग ऐप है, इससे हम लोग मैसेज करते हैं, ऑडियो वीडियो लिंक शेयर करना, तो ये व्हाट्सएप एक मैसेजिंग टाइप का ऐप हो गया। पेंट सॉफ्टवेयर सबको मालूम है ये केवल पेंटिंग करने के काम आता है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या आपका लेटर टाइपिंग करने के लिए या वर्क एडिटिंग करने के लिए वर्क में लिया जाता है। गेम्स जनरली यूज फॉर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए होता है गेम्स। तो यानी गेम्स का ये सॉफ्टवेयर जो अगर बना क्रिएट करते हैं तो ये गेम का ऐप केवल एंटरटेनमेंट ही करेगा आपको, am I right? So these are the few topics related to hardware and software. Okay? So dear students, I am now giving you the some homework. Make a colorful chart or college on the topic hardware devices. So dear students, now this is your homework कि make a colorful chart or college on the topic hardware devices. It means you have to make the colorful chart. आपको एक colorful chart तैयार करना होगा। Topic है आपका hardware devices. Hardware devices एक chart paper ले लिए, उसमें हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में पहले आप लिखेंगे
कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। जैसे मैंने आपको समझाया कि हार्डवेयर तीन तरह के होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, तीनों के बारे में आप समझाएंगे उसमें। उसके बाद नीचे डाउन में ड्रॉ एनी फोर हार्डवेयर डिवाइसेस एंड लेबल देम इन द बॉटम ऑफ योर चार्ट पेपर। यू हैव टू ड्रॉ एनी फोर हार्डवेयर डिवाइसेस, एनी फोर विच यू लाइक मोस्ट, जो बहुत अच्छे से आप बना सकते हो फोर हार्डवेयर डिवाइसेस, उसको आप बनाएंगे और बनाने के बाद लेबल देम, उसको लेबल करेंगे उसके पार्ट्स को। इज इट क्लियर? एंड लेबल इट पार्ट्स। लेकिन यहां जो टॉपिक दिया गया है कलरफुल चार्ट बनाने के लिए हार्डवेयर डिवाइसेस, इन दिस इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसेस, आपको यहां पे पूरे हार्डवेयर डिवाइसेस के नेम्स लिखने होंगे। हार्डवेयर डिवाइसेस वी हैव लॉट ऑफ, इनपुट डिवाइसेस लॉट ऑफ, आउटपुट डिवाइसेस लॉट ऑफ, स्टोरेज डिवाइसेस, राइट इट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस, ब्रीफ देम। इज इट क्लियर? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।